हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायत समिति सदस्य आम चुनाव, भाजपा कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद उठे विरोध के स्वर। पंचायत समिति आम चुनाव 2020 के लिए नामांकन के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के सिंबल सीधे ही आरओ के समक्ष पेश किए। इसी के साथ ही टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा व कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में असंतोष पनपना शुरू हो गया। देवासी समाज में गांधी सर्कल पर कांग्रेस नेता के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रोष जताया। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा व कांग्रेस के अलावा निर्दलियों समेत कुल 102 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए। जिला परिषद वार्ड संख्या 10 लालाराम देवासी का टिकट कट जाने पर देवासी समाज में जोरदार आक्रोश है, जिसको लेकर देवासी समाज ने भाजपा का विरोध किया। लालाराम देवासी ने बताया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, लेकिन सुमेरपुर व बाली विधायक ने जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए मुझसे आवेदन जमा करवाया। बावजूद इसके पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की सूची में वार्ड संख्या 10 से किसी अन्य का नाम घोषित कर देवासी समाज को नजरअंदाज किया है, जिसका खामियाजा चुनाव परिणाम में पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आज तक कुल हमारे पास 102 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। वार्ड संख्या 1 से 4, 2 से 3, 3 से 4, वार्ड संख्या 4 से 7, वार्ड संख्या 5 से 9, वार्ड संख्या 6 से 2, वार्ड संख्या 7 से 2, वार्ड संख्या 8 से 6, वार्ड संख्या 9 से 10, वार्ड संख्या 10 से 6, 11 से 5, 12 से 9, 13 से 2, 14 से 9, 15 से 5, 16 से 6, 17 से 5, 18 से 5 और 19 से 3 नॉमिनेशन फॉर्म्स हमारे पास प्राप्त हुए हैं। इनकी समीक्षा कल प्रातः 11 बजे से की जाएगी। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।